corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. राजपथ के रिक्शा चालकों को अब दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। ना तो ये कुशल कारीगर हैं, ना ही पढ़े लिखे। रिक्शे में अब सवारियां मिलना मुश्किल है। सिटी बस, ऑटो, हर कोई जल्दी में जाना चाहता है। दिन ब दिन ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। यदि इनके पुनर्वास के बारे में नहीं सोचा गया तो समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आइए आज हम जानेंगे रायपुर के रिक्शा चालकों की क्या क्या समस्या है। समय से तो पूरा धंधा हमारे ख़राब हो गया। ऑटो में लोग जाने की इच्छा करते हैं, ज़्यादा जल्दी जाने के लिए। ऊपर से मिनी बस सवारी बिठा लेता है, रिक्शे बहुत कम बैठते हैं। सब तरफ के हमारे धंधा मारा गया। हमने तो यहाँ पहले उड़ीसा में अपना खेती बाड़ी कर रहा था, तो वहाँ हमने यहाँ की जी पर नहीं पाए हैं, इसलिए वहाँ समस्या थोड़ा कष्ट हो गया। 1965-66 में हम रायपुर में आके यहाँ पर अपना घर द्वार बना करके अपना स्थायी होकर के यहाँ जी रहे हैं। इसी कारण कि यहाँ जो टेस्टिंग समय कर रहा है, क्योंकि सिटी बस यूनिवर्स सब पूरा तो सब पूरा निकल रहा है, इसीलिए अपने धंधा पड़ने में थोड़ा डाउन चल रहा है। साइकिल के पहियों में वो गति कहाँ कि ऑटो रिक्शा और सिटी बस के पहियों की गति की बराबरी कर सकें। पढ़े लिखे हैं नहीं, दूसरा काम सीखा नहीं। जड़ें तो पहले ही कट गई थी, अब तने का भी आश्रय नहीं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे तो कोई काम मिलता भी, अब तो मुरुक है, अनपढ़ है, तो अब कारोबार कैसे चला, खर्चा पानी कैसे चला, इसी मुसीबत में फिक्र पड़े हुए। करे तो करे क्या। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, मदद करना चाहिए सरकार। देखा आपने, करे तो क्या करें। हमें शीघ्र इस समस्या का एक समाधान ढूंढना होगा, वरना देश और प्रदेश में असामाजिक तत्वों की दिन ब दिन तरक्की होती जाएगी, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। देखा आपने, रायपुर शहर में तीव्र औद्योगिकरण के पश्चात रिक्शा चालकों की स्थिति। कटोरा तालाब रायपुर से मैं सर्वत नकवी, इंडिया अनहर्ड के लिए।